आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। आज हम याद कर रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री नूतन को। फिर वही चांद, वही हम, वही तन्हाई है। आज फिर दिल ने मोहब्बत की कसम खाई है। फिर पहले पर्दे पर अपनी सौम्य और सशक्त अभिनय से हर किसी का दिल जीत लेने वाली नूतन। नूतन के अभिनय की गहरी छाप उन सभी सिनेमा के प्रेमियों पर है जिन्होंने उनकी फिल्में देखी या उनके बारे में सुना। वैसे नूतन के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ उनके यादगार गाने हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं। तो आज हम उनके कुछ ऐसे ही यादगार गीत लेकर आए हैं। ये जो गाना आपने सुना था ये बारिश फिल्म का था और इस फिल्म में उनके साथ देवानंद थे। देवानंद और नूतन की कई फिल्में आई, कई यादगार फिल्में। हाँ, कुछ और फिल्मों के गाने भी हम आपको सुनवाएंगे। अभी हम आपको सुनाते हैं नूतन के साथ बलराज सहनी और हाँ साथ में श्यामा भी थी और ये फिल्म थी 1951 की हम लोग। तो मुकेश का गाया हुआ अब ये गाना सुनते हैं। नजर से उनकी नजर का एक कमाना एक फसाना, मैं हूँ आप जैसे ऐसे जमाने में अपने दिल का कौन ठिकाना। नूतन, आज हम बात कर रहे हैं नूतन की और सुन रहे हैं नूतन की फिल्मों के गाने, चाहे वो सुजाता के रूप में हो, बंदिनी या सरस्वती चंद फिल्में, मिलन या फिर सीमा मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्में। हर फिल्म में उन्होंने अपनी एक मिसाल छोड़ी है, हर फिल्म में उनकी एक अलग पहचान बनी है और यही तो खास बात थी नूतन की। तभी तो हम आज भी नूतन को याद करते हैं, नूतन की फिल्मों को याद करते हैं, नूतन की वो फिल्में जो खुशियां भी लेकर आती हैं, आंखों में नमी भी ले आती हैं, जीने का बहाना भी ढूंढ कर ले आती हैं। कुछ ऐसे ही मचलते गाने आज आप सुन रहे हैं, आपके साथ आपका दोस्त अशोक हमराही। अब अगला गाना। फिल्म नगीना और साथ में नासिर खान। सुना आपने गाना, नासिर खान इस फिल्म में उनके साथ थे और नासिर खान के बारे में हम आपको बता दें कि वो दिलीप कुमार के भाई, कई फिल्में की उन्होंने, नूतन के साथ भी उनकी कई फिल्में आई थी। एक तो हमें याद है ये 1951 की फिल्म थी नगीना और इसके बाद आई थी शीशम। हाँ, इसका गाना भी है मेरे पास एक। अभी हम आपको एक और गाना सुनाते हैं नगीना फिल्म का। नगीना फिल्म के गाने बेहद मशहूर हुए थे और आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा जो अभी हमने आपको सुनाया, और ये गाना भी। चार जून 1936 को मुंबई में जन्म हुआ नूतन का, अपनी अभिनेत्री माँ शोभना समर्थ की बेटी नूतन। अभिनय की कला तो विरासत में ही मिल गई थी नूतन को, बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती में वो आई और वहीं से उनका सिने कैरियर शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने और भी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और फिल्मी दुनिया में उन्होंने फिर कदम रखा। 1950 में वो फिल्म उनकी माँ शोभना समर्थ ने बनाई थी हमारी बेटी, और इसके बाद उनकी बेटी हम सभी की लाडली हो गई, हम सभी की बहुत प्यारी अभिनेत्री हो गई नूतन। आइए अब सुनते हैं शीशम फिल्म का गाना जिसका हमने जिक्र किया था। उनके साथ इस फिल्म में भी थे नासिर खान। मुकेश का गाया हुआ ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। आप हैं अशोक हमराही के साथ। आज हम याद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं नूतन के बारे में और सुन रहे हैं उनकी फिल्मों के कुछ यादगार गाने। बात हो रही है 1952 की, जब शीशम फिल्म रिलीज हुई जिसे गाना भी हमने आपको सुनाया, और इसी साल एक और फिल्म आई पर्वत। पर्वत फिल्म में उनके साथ प्रेमनाथ थे। प्रेमनाथ के साथ उनकी कुछ फिल्में आई लेकिन जो यादगार फिल्म थी वो यही थी पर्वत, और इस फिल्म के यादगार गाने भी थे। आइए इस फिल्म का एक वो गाना हम आपको सुनवाएं जिसमें मोहम्मद रफी हैं, लता मंगेशकर हैं और गीता दत्त हैं। ये तीन आवाजें इस गाने में। क्या बताऊं मोहब्बत है क्या, क्या
क्या बताऊं मोहब्बत है क्या, क्या बताऊं मोहब्बत है क्या। भीगे चांद तारे गगन में, लेकिन हमेशा अंधेरा था मन में, राय तो मन के अंधेरे में जैसे दिया जलू था। क्या बताऊं मोहब्बत है क्या। सचमुच ये ऐसे गाने हैं जिन गानों को बार बार सुनने को जी चाहता है, ऐसे प्यार भरे नगमे। और ये गाने हम सबको और तब अच्छे लगते हैं जब हम याद करते हैं अभिनेत्री नूतन को, क्योंकि ये सारे के सारे गाने जो आज हम सुन रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से नूतन से तो जुड़े हुए हैं ही। हमने बात की थी हम लोग फिल्म की, हम लोग फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गीत आवाज लता मंगेशकर की। थुन 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 बाजे पायल, थुन 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 बाजे पायल, मुरी बाजे पायल मुरी, आजा चोरी चोरी आजा चोरी चोरी। हैं अशोक हमराही के साथ, आज हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री नूतन को। और जैसा कि अभी हमने बात की नूतन की फिल्मों की बात, नूतन के अभिनय की बात, इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है। और आप सभी जानते हैं कि नूतन का अभिनय एक सजीव अभिनय, ऐसा लगता था जैसे कि जो पात्र है वो पात्र साक्षात हो गया हो। और इसीलिए तो हम आप जब वो फिल्में देखते हैं तो बिल्कुल उनसे जुड़ जाते, ऐसा लगता है कि वो करेक्टर वो चरित्र हमारे बीच का ही चरित्र है। और इसीलिए हम उन फिल्मों को बहुत बहुत पसंद करते हैं। कोई भी संवाद, कोई भी गाना, कोई भी दृश्य हम छोड़ना नहीं चाहते, पलक भी न झपके ऐसे देखते हैं उन फिल्मों को। और वैसे भी वो सुनहरा दौर था, सुनहरे दौर का वो सिनेमा, आज भी हम याद करते हैं उस सिनेमा को, याद करते हैं उन अभिनेत्रियों को, याद करते हैं उन गीतों को। आइए अब आपको सुनाते हैं एक और बेमिसाल गाना। अभिनेत्री नूतन ने अपने समय के लगभग सभी कलाकारों के साथ काम किया, और अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस फिल्म में कौन था उनके साथ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पूरी तरह से पता है कि आपको मालूम है और हो सकता है आपने फिल्म देखी भी हो। शबाब फिल्म का ये गाना आपने सुना, पहचान तो आपने जरूर लिया होगा। और ये भी आप जानते होंगे कि जो शबाब फिल्म आई थी उस फिल्म में भारत भूषण उनके साथ थे। इस फिल्म के लगभग सारे के सारे गाने बहुत मशहूर हुए थे, नौशाद का संगीत। और जी सुचावे है कि इस फिल्म के और भी कई गाने आपको सुनवाए, लेकिन और भी फिल्मों के गाने हैं हमारे पास, इसलिए एक गाना और हम आपको सुनाएंगे शबाब फिल्म का। बहुत ही प्यारा सा गाना है और हमें उम्मीद है ये गाना आपके दिल को कहीं ना कहीं से जरूर छुएगा। आप हैं अशोक हमराही के साथ, अब हम आपको सुनाते हैं नूतन की फिल्म का वो गाना जो हीर फिल्म में फिल्माया गया। और हीर तो आप समझ ही गए, प्रेम कहानी, हीर राजा की प्रेम कहानी, हीर की प्रेम कहानी, ऐसी और भी कई प्रेम कहानियां हैं। दुर्गेश नंदिनी एक फिल्म आई थी उसकी भी प्रेम कहानी, लैला मजनू की प्रेम कहानी। वास्तव में दुनिया में अगर कुछ है तो वो है सिर्फ प्यार, प्यार का ही बंधन है जो हर रिश्ते को बहुत मजबूती से बांध कर रखता है। तो आइए हीर फिल्म का गाना सुने, आवाज है गीता दत्त की। हाँ, इस फिल्म में प्रदीप कुमार उनके साथ थे। देखने लगी नजर झुक गई, कभी उनसे जब सामना हो गया। देखने लगी नजर झुक गई। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, जिससे हमारा आपका साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद।